स्टूडेंट, आपका कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में सभी का स्वागत है। और आज स्टार्ट करते हैं, पहला अपना एनिमल न्यूट्रिशन का ये सब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में, एनिमल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन पशुओं को इसमें ये बताते हैं कि हम क्या खिलाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ हैं ज़रूरी, और उससे हम कैसे उसका दूध बढ़ा सकते हैं, कम लागत से ज़्यादा दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, कुछ आज डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, और डेफिनेशन में मेन डेफिनेशन है वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यूस रखेंगे। तो इसमें एक आहार सामग्री होती है, खाद्य सामग्री, खाद्य जो पशुओं को खिलाया जाता है, खाद्य सामग्री उसे कहते हैं जो पशुओं को हम खिलाते हैं। और खाद्य सामग्री में ये सूखा चारा आता है, हरा चारा आता है, और दाना आता है, ये उसको खाद्य सामग्री बोलते हैं। अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं, राशन क्या होता है और खुराक क्या होती है। खुराक हम उसको कहेंगे जो एक बार में पशु को हम खिलाते हैं, वो खुराक है। और जो राशन 24 घंटे में हम पशुओं को जो खिलाते हैं वो राशन होता है। वो राशन 24 घंटे में, कई फार्मर हैं वो दिन में 24 घंटे में दो बार खिलाते हैं, कई तीन बार खिलाते हैं, तो वो राशन है, उसको राशन कहते हैं। तो उसमें सभी चीज़ हो सकती है, सूखा चारा, हरा चारा, कंसंट्रेट, दाना वगैरह जो है वो उसमें राशन में सभी चीज़ें आती हैं। इसके बाद है, अगली डेफिनेशन है इसकी, संतुलित राशन किसे कहते हैं। संतुलित राशन, संतुलित राशन वो राशन होता है जिसमें पशु को पोषक आहार संतुलित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित का मतलब उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, ये सभी चीज़ें, उसमें फैट, ये सभी चीज़ें उसमें संतुलित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, वो संतुलित आहार होता है। आगे है, इससे आगे मूल आहार, मूल आहार किसे कहते हैं। मूल आहार वो आहार होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, और फैट, क्रूड फाइबर की मात्रा 18% होती है, फैट की मात्रा 5% से कम होती है, प्रोटीन की मात्रा 10% से कम होती है, वो मूल आहार होता है, उसको हम मूल आहार कहेंगे। मूल आहार की ये परिभाषा है। आगे है पूरक आहार। पूरक आहार का मतलब सप्लीमेंट्री फीड। सप्लीमेंट्री फीड वो फीड होता है जिसमें आहार में प्रोटीन 18 से 20% से ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें विटामिन्स होने चाहिए, और उसमें मिनरल होने चाहिए, खनिज लवण, उसमें खनिज लवण, विटामिन्स और प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, वो सप्लीमेंट्री फीड है। तो ये सप्लीमेंट्री फीड अतिरिक्त दिया जाता है। आगे है निर्वहन आहार, मेंटेनेंस राशन। निर्वहन आहार, मेंटेन, जो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो आहार दिया जाता है उसको मेंटेनेंस राशन कहते हैं। तो मेंटेन, जैसे मेंटेन बॉडी को, उसकी ग्रोथ होनी है, एनिमल की ग्रोथ होने के लिए, उसको मूवमेंट के लिए, उसको जो फीड उसने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसको जो आहार हमें मेंटेन, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो आहार दिया जाता है उसको मेंटेनेंस राशन कहते हैं। ये मेंटेनेंस राशन की परिभाषा है। आगे है प्रोडक्शन आहार। प्रोडक्शन आहार किसे कहते हैं। प्रोडक्शन आहार वो आहार होता है जिससे किसी सब हमें बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो आहार दिया जाता है उसके अतिरिक्त जो आहार हम पशु को देते हैं वो मेंटेनेंस के अलावा जो आहार हम देते हैं वो उत्पादन, प्रोडक्शन राशन उसको कहेंगे हम, प्रोडक्शन राशन। जैसे किसी एनिमल से हमने दूध प्राप्त करना है तो उसको एक्स्ट्रा आहार दिया जाएगा, उसको एक्स्ट्रा कंसंट्रेट दिया जाएगा, हरा चारा दिया जाएगा। तो इसी तरह किसी जैसे पोल्ट्री से हम एग लेते हैं तो उसको भी ज़्यादा जो जिससे प्रोडक्शन लिया जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा हमें आहार देना पड़ेगा, तो वो प्रोडक्शन राशन होता है। और आगे है
संपूर्ण पाचक तत्व, संपूर्ण पाचक तत्व किसे कहते हैं, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिस सुपाच्य आहार में जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, फैट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रतिशत के रूप में हो, उसे हम संपूर्ण पाचक तत्व कहेंगे। ये हमारी आज की कुछ डेफिनेशन है और परिभाषाएं हैं, ये आपको थोड़ा बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए और इसकी ये जरूरी भी है। और इससे आगे हम चलते हैं फिर आहार, आहार का महत्व, आहार का महत्व क्या है। आहार का महत्व, आहार का जो आहार लिया एनिमल ने तो उसका महत्व क्या है, उसका फायदा क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आहार पशु के लिए जरूरी है। आहार के बगैर तो वैसे कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है आहार के बगैर तो। एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, उसको जीवित भी नहीं रह सकता आहार के बगैर तो। तो आहार तो बहुत ही जरूरी है पशु के लिए। इसमें पहले इसका है कि आहार के बिना जीवन असंभव है। आहार के बिना कोई पशु का या ह्यूमन बीइंग का कोई जीवन ही नहीं है। कितने दिन तक हम खाए पिए रह सकते हैं, जैसे एनिमल है मैक्सिमम 10-15 दिन मुश्किल से निकालेगा, यदि वो खाए पिए के बगैर रह जाएगा तो 10-15 दिन मुश्किल से उसके निकलेंगे। तो इसलिए आहार का अहम रोल होता है, आहार के बिना जीवन असंभव है। आहार शरीर की वृद्धि करता है, आहार की जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करता है, जो वृद्धि होती है वो आहार से होता है। एक क्या है, इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आहार जरूरी होता है। टेम्परेचर एक जैसा रहता है बॉडी का, गर्मी हो सर्दी हो उसमें टेम्परेचर एक जैसा रहेगा। और इसमें एंटीबॉडीज प्रति किसी बीमारी से लड़ने के लिए उसको एंटीबॉडीज रक्षा प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है वो भी आहार से प्राप्त की जाती है। तापमान को मेंटेन रखने के लिए आहार जरूरी है। शरीर कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करता है और शरीर की कोई भी टूट फूट या कोई भी शरीर की कोई कमी जहाँ आ जाती है तो वो आहार से पूर्ण होता है, तो वो रिपेयर भी करता है आहार। तो ये आहार के महत्व हैं। आहार में कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं जो पशु के लिए जरूरी हैं, कौन कौन से, उसमें 6 तरह के पोषक तत्व हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। पहला है वाटर, पानी। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तीसरा है प्रोटीन। चौथा है फैट, फैटी लिपिड्स, वसा। फैटी लिपिड्स नंबर 5 खनिज लवण। खनिज लवण को मिनरल मिक्सचर बोलते हैं और ये तो पशु के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 6 विटामिन्स। तो ये 6 तरह के पोषक तत्व हैं, ये पशु के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इसको एक एक करके हम डिटेल में इसको पूरा पढ़ते हैं। तो इसका पहले हम स्टार्ट करते हैं पानी से। पानी, पानी की क्या, पानी है, दूसरा नंबर कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा नंबर प्रोटीन है, चौथा नंबर वसा है, फैटी लिपिड्स। वसा जो चिकनाई है वो भी पशु के लिए बहुत जरूरी है।
है और पांचवा है खनिज लवण। खनिज लवण भी पशु के लिए मेन चीज है, खनिज लवण के बगैर तो कोई काम चलता ही नहीं। आदि बीमारियां जो होती हैं वो खनिज लवण से की कमी की वजह से आदि बीमारियां होती हैं। यदि खनिज लवण हम देते हैं, मिनरल मिक्स देते हैं पशु को, तो वो पशु की आदि बीमारियों को कवर कर लेता है। और छठा है विटामिन। विटामिन जो है वो हरे चारे में विटामिन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, वो पशु को मिल जाता है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पानी से, वाटर से। पानी, पानी के बगैर भी काम नहीं चल सकता। जैसे पशु होते हैं तो उसको क्या है कि खाए पिए बगैर तो 10-15 दिन निकाल देता है पशु हो या ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन पानी के बगैर तो 5-4 दिन भी, 2-4 दिन भी निकलने। आजकल जैसे सीजन गर्मी का सीजन होता है, गर्मी के सीजन में तो 2 दिन निकालने में बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और सर्दी के टाइम में हो सकता है 2-3 दिन पशु 5 दिन निकाल भी दे। लेकिन पानी 2/3 भाग जो है वो पशु का पानी से बना होता है, 2/3 भाग पानी से बना होता है। और पानी इसलिए बहुत ज़रूरी है, पानी के बगैर कोई चीज़ असंभव है, पशु का ग्रोथ बिल्कुल असंभव है, पशु जी नहीं सकता है इसके बगैर। तो ये पानी जब पशु लेता है तो वो उसकी निकल भी जाता है, वो किस वे में निकल जाता है, जैसे पशु है पेशाब करता है उसमें पानी निकलता है, और वो सांस लेता है तो उसमें भी, जब सांस छोड़ता है तो उसमें भी, जब सर्दी के टाइम में हम देखते हैं तो उसमें वाष्प होते हैं, उसमें भी पानी होता है तो वो भी निकलता है। पशु जब गोबर करता है तो वो भी पानी लेके, पानी को अब्सॉर्ब करके वो बल्कि वो निकाल देता है गोबर, तो उसमें भी पानी होता है। तो इसलिए स्किन से भी वाटर का लॉस होता रहता है, तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। और इसका पानी लेता है और पशु उसको यूटिलाइज कर लेता है। जैसे पानी के लिए इसमें हमारा जो दूध देने वाला पशु है उसको हम पानी के लिए, जैसे 1 लीटर ज़्यादा दूध देता है तो उसको पशु को 1 लीटर ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ेगी। जैसे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो सारा पानी पी रहा है पशु को, ग्रोथ है बॉडी को, खाना चारा उसने लिया, उसके बाद उसका डाइजेस्ट हो गया, अनडाइजेस्टेड मैटर है वो निकल गया, तो उसमें पानी का यूज होता है, एक्सक्रीशन होता है, पेशाब निकल गया, और इस तरह ये पानी उसका यूटिलाइज होता रहता है। और जो दूध देने वाला पशु है उसको 1 किलो दूध के साथ 1 किलो एक्स्ट्रा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए जैसे जो पशु 10 किलो दूध देगा तो 10 किलो उसको बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, और उसकी दूध को जैसे 10 किलो दूध देता है, 10 किलो एक्स्ट्रा उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हम उससे दूध ले रहे हैं, तो इसलिए उसको 10 लीटर पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और पानी के इसके कार्य क्या हैं, पानी तो उसने ले लिया लेकिन उसके कार्य क्या हैं, पानी का क्या क्या रोल है जो पशुओं के लिए कार्य करता है, पशुओं के लिए कार्य, जल के क्या क्या कार्य हैं, तो वो कार्य हैं, जल के नंबर 1 है, जल शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों को विशेष आकार देने, उनको लचीलापन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। नंबर 2, रासायनिक क्रियाओं के लिए जल तत्वों के घुलने का माध्यम है, ये सॉल्वेंट का काम करता है। जल जो कोई भी पदार्थ जो पशु खाता है, खाने से वो जो उसमें डी सॉल्वेंट का काम करता है, घुलने का काम करता है जल। नंबर 3, अंगों व ऊतकों की सतह पर होने वाले घर्षण, जो फ्रिक्शन होता है अंग और ऊतक टिश्यू जो होते हैं उनमें, दोनों में जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसके बचाव करता है ये वाटर उसका बचाव करेगा, तो घर्षण नहीं होने देगा वहाँ पर। घर्षण हो जाएगा तो टिश्यू खराब हो जाएगा और वो जो ऑर्गन होगा वो भी डैमेज हो जाएगा। और क्या है कि 4th नंबर ये है कि इसमें आँखों में जो नमी होती है वो भी वाटर की वजह से ही होता है, नमी बनाए रखने के लिए वाटर का अहम योगदान है। नंबर 5, शरीर की विभिन्न क्रियाओं से उत्पन्न विभिन्न वांछित अवांछित पदार्थों का अवशोषण जो अब्जॉर्प्शन होता है, उत्सर्जन जो एक्सक्रीशन होता है, परिवहन ट्रांसपोर्ट
का काम करता है वो भी जल की वजह से होता है। जो डाइजेस्ट होगा वो बॉडी के अंदर रह जाता है और अनडाइजेस्टेड जो मैटर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये भी वाटर का इसमें अहम योगदान है, वाटर के बगैर ये चीज़ें संभव नहीं है। नंबर 6, शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है। शरीर का तापमान गर्मी सर्दी में एक जैसा रहता है। गर्मी है तो उसमें तापमान बढ़ता नहीं है और ठंड है तो उसमें तापमान कम नहीं होता, तो तापमान को मेंटेन रखता है। तो ये जल का अहम योगदान है इसमें भी। और क्या है नंबर 7, रोमंथी पशुओं में रूमन क्रियाओं तथा खाद्य पदार्थों के पाचन में जल का विशेष योगदान है। तो ये जल के बारे में है और ये जल के कार्य हैं, 7 तरह के कार्य हैं इसके। आगे हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दूसरा नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरह के अणुओं से ये बना होता है। इसको शॉर्ट में हम कार्बोहाइड्रेट CHO लिखते हैं, CHO कार्बोहाइड्रेट। कार्बन होता है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तरह के इसमें अणु होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट इसमें इसके मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जो पशु खाते हैं उससे ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज से पशु को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है पशु को। तो कार्बोहाइड्रेट के इसके 60-90% कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो वनस्पतियों में है वो 60-90% कार्बोहाइड्रेट होता है और वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। कार्य क्या है इसके? कार्य इसके कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः शर्करा, ग्लूकोज के रूप में मिलता है तथा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बनता है। इससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। पशु जो चारा खाता है उससे हाइड्रोलाइसिस होकर, हाइड्रोलाइसिस उसमें ब्रेक डाउन होकर उसको एनर्जी मिल जाती है, ग्लूकोज मिल जाती है। और इसमें आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट, यदि कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से ज़्यादा पशु ले लेता है तो उसमें किस रूप में वो चर्बी के रूप में उसमें इकट्ठी हो जाती है, बॉडी के अंदर चर्बी के रूप में इकट्ठी हो जाती है और वो पशु अपने यूटिलाइज धीरे धीरे उस एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है और उसको पशु अपने यूटिलाइज करता रहता है। इसी तरह जैसे लैक्टोज दूध में जो होता है वो लैक्टोज होता है उसी से उससे भी एनर्जी मिलती है। ह्यूमन बींग जैसे लेते हैं या काफ लेते हैं, सुक्रोज गन्ने से सुक्रोज मिलता है और सेलुलोज हेमी सेलुलोज घास से ये मिलते हैं हमें। तो ये सभी ग्लूकोज के स्रोत हैं, ये इससे एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। इसमें ये 2 तरह के पोषण, पशु पोषण की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कार्बोहाइड्रेट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो क्रूड फाइबर होता है इसमें, क्रूड फाइबर, और दूसरा है इसमें नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट NF, शॉर्ट में NFE, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट में क्या होता है? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट में इसमें स्टार्च, मोनोसैकेराइड ये होते हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसमें ये नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट है, इससे एनर्जी मिल जाती है पशु को। और क्रूड फाइबर में क्या होता है? क्रूड फाइबर में जो पशु चारा लेते हैं, हरा चारा या सूखा चारा लेते हैं, सूखे चारे में क्रूड फाइबर की मात्रा ज़्यादा होता है, ज़्यादा होती है, और हरे चारे में क्रूड फाइबर की मात्रा कम होती है, 18% होती है, और सूखे चारे में 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर होता है। क्रूड फाइबर शरीर के, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्रूड फाइबर, और वो पशु उसको लेता है। जो दूध देने वाले पशु हैं, यदि क्रूड फाइबर की मात्रा कम होती है तो उनका दूध की देने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। क्रूड फाइबर यदि ना दें, क्रूड फाइबर यदि हम एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे सूखा चारा पशु को हम नहीं देंगे तो उसमें क्रूड फाइबर की मात्रा कम होती है और क्रूड फाइबर नहीं मिलेगा उसको पशु का, उससे
दूध की प्रोडक्शन है उसकी कम हो जाएगी। तो जैसे जुगाली करने वाले पशुओं के लिए इनके बहुत जरूरी है, और ये जब पशु सूखा चारा या हरा चारा लेते हैं तो इसमें ग्लूकोज इससे मिलती है, पानी के ह्यूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो कि उसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एनर्जी मिलती है उस चीज़ से। उसको उपयोगिता क्या है, ये मुख्यतः पेट भरने का कार्य करता है क्रूड फाइबर। पशु को आभास भी तभी होता है कि उसका पेट भर चुका है, तो वो क्रूड फाइबर की वजह से होता है कि उसका पेट भर चुका है और वो और चारा की उसको आवश्यकता नहीं है। और इसकी प्रेरणा से आहार नालिका के भीति में पाचक रस और डाइजेस्टिव जूसेस के निकलने में सहायता मिलती है। दुधारू पशुओं में क्रूड फाइबर की मात्रा कम होने से दूध का उत्पादन 20-25% कम हो जाता है। इससे क्रूड फाइबर से और क्या फायदा है, क्रूड फाइबर इसमें एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस को बैलेंस रखता है, उसका पीएच को मेंटेन रखता है। यदि क्रूड फाइबर की मात्रा उसमें कम होगी तो एसिड ज़्यादा हो जाएगा, एसिड ज़्यादा होने से पशु को बदहजमी हो जाएगी और पशु चारा नहीं खा सकेगा वो, और चारा खाना बंद कर देगा, एसिडोसिस हो जाएगा, अंदर पेट में तेजाब ज़्यादा बन जाएगा उसका, ह्यूमन में का पीएच बढ़ जाएगा, ह्यूमन का पीएच कम हो जाएगा और ये पीएच को मेंटेन रखता है। इसी तरीके से जो उसके अंदर बल्कि उसका अनडाइजेस्टेड मैटर है उसको पानी अब्जॉर्ब करके उसको गोबर में कन्वर्ट करने का काम भी ये क्रूड फाइबर की वजह से होता है। नहीं तो यदि बल्कि यदि कंसंट्रेट ले कर पशु खाता रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसको इंफेक्शन, उसको बंधा पड़ जाएगा पशु को, तो वो उसके लिए क्रूड फाइबर बहुत ज़रूरी होता है जो कि पशु को बंधे से भी बचाता है और एसिड की मात्रा ज़्यादा ना हो उससे बचाता है, पीएच को मेंटेन रखता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसमें कल हम आगे स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे और आज के टॉपिक में इसमें एनिमल न्यूट्रिशन में इतना है। पानी वाटर का हमने कर लिया और इसका कार्बोहाइड्रेट का हमने आज पढ़ लिया और कुछ डेफिनेशन थी, तो इसका आज एनिमल न्यूट्रिशन का कंप्लीट।